रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का आईपीओ लाने की योजना बना रहे हैं। इस मामले के जानकार लोगों के जरिए ये जानकारी सामने आई है। अंबानी जियो पर अब तक करीब $31 अरब का निवेश कर चुके हैं और अब वो पैसा जुटाने के लिए आईपीओ लाने की तैयारी में हैं। मुकेश अंबानी आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर अभी विचार विमर्श कर रहे हैं और हो सकता है कि साल 2018 के आखिर या फिर साल 2019 की शुरुआत में कंपनी जियो का आईपीओ जारी कर दे। जियो ने अपनी आधिकारिक लॉन्चिंग से लेकर अब तक मुनाफा नहीं कमाया है। कंपनी ने किसी भी शेयर बिक्री से पहले अपने वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा है। ये जानकारी इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर दी है। इसी सिलसिले में कंपनी के बड़े अधिकारियों संग बातचीत शुरू हो चुकी है। दूसरी तिमाही में रिलायंस जियो इन्फोकॉम को 270 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि इस दौरान उसकी कुल आय 6147 करोड़ रुपए रही थी। वहीं जून तिमाही में ये घाटा 21.3 करोड़ रुपए का रहा। कुछ मीडिया खबरों के अनुसार रिलायंस जियो अगले साल यानी 2018 में जियो का आईपीओ लाने जा रहा है। इस खबर को कंपनी की ओर से एक प्रवक्ता ने अफवाह बताया है। इसके अलावा कुछ निवेश बैंकों से जुड़े लोगों ने भी इस खबर का खंडन किया है। इस खबर के संदर्भ में मीडिया का कहना था कि रिलायंस जियो को निवेश की जरूरत है, जिसके चलते कंपनी आईपीओ लाने जा रही है। इस पर कंपनी ने कहा है कि ये बात सही है कि जियो को निवेश की जरूरत है, लेकिन आईपीओ को लेकर कोई चर्चा नहीं है। कुछ मीडिया खबरों के अनुसार रिलायंस जियो अगले साल यानी 2018 में जियो का आईपीओ लाने जा रहा है। इस खबर को कंपनी की ओर से एक प्रवक्ता ने अफवाह बताया है। इसके अलावा कुछ निवेश बैंकों से जुड़े लोगों ने भी इस खबर का खंडन किया है। इस खबर के संदर्भ में मीडिया का कहना था कि रिलायंस जियो को निवेश की जरूरत है, जिसके चलते कंपनी आईपीओ लाने जा रही है। इस पर कंपनी ने कहा है कि ये बात सही है कि जियो को निवेश की जरूरत है, लेकिन आईपीओ को लेकर कोई चर्चा नहीं है।